पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद एक जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर 2019 में आपने कांग्रेस को मौका दिया तो ये लोग कश्मीर के पत्थरबाजों को भी भत्ता देने लगेंगे और कांग्रेस का घोषणा पत्र देख लीजिए, ऐसा लगता है जैसे ISI का दस्तावेज हो। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने मायावती के उस बयान की भी निंदा मंच से की जिसमें उन्होंने कहा है कि जब अयोध्या में राम की मूर्ति लग सकती है तो उनकी क्यों नहीं। मंच से योगी ने सपा के झंडे को गुंडों का झंडा कहा और कहा कि सपा बसपा गठबंधन या कांग्रेस को वोट देना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो वहीं कहा कि आपने केरल में देखा होगा, राहुल गांधी के जुलूस में हरे रंग का झंडा ही नजर आ रहा था जिस पर चांद सितारा बना हुआ था, कोई तिरंगा नहीं था, ये कांग्रेस की मानसिकता का परिचय है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी हैं जो 130 करोड़ लोगों के लिए काम करते हैं, अपनी सरकार में क्या कभी कांग्रेस ने 100 करोड़ लोगों के लिए कुछ किया है। सपा बसपा के समर्थन से हिंदुओं को आतंकी कहा था, भारत के लोगों को आतंकवादी बनाने वाले कौन हैं। उन्होंने कहा कि यही लोग हैं वोट के लिए मंदिर मंदिर जाते हैं। 2005 में राम सेतु तोड़ने का ऑर्डर भी सोनिया और राहुल ने ही दिया था। कांग्रेस ने सभी पूर्वी राज्यों को अलगाववाद में डाल दिया था, कांग्रेस ने तो घुसपैठियों के राशन कार्ड तक बनवा दिए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलवामा की घटना पर सपा नेता के बयान को बेशर्मी भरा बताया। जो कांग्रेस कह रही है ये सब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने आतंकियों के मुकदमे वापस लेने की कोशिश की थी और अब सपा बसपा कांग्रेस को वोट देना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर मुझे लगता है कि सभी लोगों को कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में और जो कांग्रेस कह रही है, एक कांग्रेस के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रखने वाले, आपने देखा होगा जब कांग्रेस की सरकार 2004 में बनी थी तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी बिना मांगे समर्थन देने पहुंच गए थे। ये सब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाले लोग हैं, क्योंकि इनके काले कारनामे जनता के सामने ना आने पाए, देश के सामने ना आने पाए, एक कटघरे में ना खड़ा हो सके। इस दृष्टि से ये लोग कांग्रेस के इस घोषणा पत्र का समर्थन करते हुए दिखाई देंगे। आखिर अखिलेश यादव की सरकार ने किया था ना, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, संकट मोचन मंदिर वाराणसी में आतंकी हमले करने वाले, लखनऊ में कचहरी में हमला करने वाले, रामपुर में CRPF कैंप पर हमला करने वाले जितने भी आतंकी थे, इनके मुकदमों को वापस लेने की चेष्टा तो की थी उस सरकार ने, न्यायपालिका ने रोक लगाई। आखिर इन आतंकवादियों से क्या संबंध है समाजवादी पार्टी के? और तो और भाइयों बहनों, जब 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, आतंकवादी समाजवादी पार्टी का झंडा लिए हुए गाड़ी में गए थे। अनुमान कर सकते हैं देश के प्रति इनकी मंशाएं क्या है। और उन्होंने एक बात कही कि आखिर क्या हो गया है कांग्रेस को, और कहती है कि हम देशद्रोह की धारा को समाप्त करेंगे और कश्मीर के साथ साथ पूर्वोत्तर के भारत में सेना को मिले हुए विशेष अधिकारों को समाप्त भी कर देंगे। यानी कांग्रेस का बस चलेगा तो कांग्रेस कल से दुर्भाग्य से सत्ता में आ जाएगी तो वह कश्मीर के पत्थरबाजों को भत्ता देना प्रारंभ कर देगी, कोई संदेह नहीं। आपने देखा होगा भारत के प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने में राहुल गांधी सारी उन सीमाओं को, शिष्टाचार की सारी सीमाओं को लांघते हैं, लेकिन भारत का
का मोस्ट वांटेड अजहर मसूद के लिए जी शब्द का प्रयोग करते हैं। कहां जा रहा है देश? कांग्रेस का घोषणा पत्र ये नहीं लगता है कि भारत का घोषणा पत्र है, भारत के किसी राष्ट्रीय दल का घोषणा पत्र है। कांग्रेस का घोषणा पत्र ऐसे लगता है जैसे ISI का दस्तावेज हो। और भाइयों बहनों, मैं यही से आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं कि हमें अपने उस भ्रम को दूर करना होगा जो लोग हमें भरमाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, सत्ताएं आएंगी जाएंगी, यह देश रहना चाहिए, और यह देश कैसे रहेगा यह आपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान, मोदी जी के कार्यकाल के दौरान देखा होगा। सैनिकों का सिर काट करके लेके जा रहा है, लेकिन एक कांग्रेस की सरकार के समय, यूपीए की सरकार के समय, जब उनके पार्टनर सपा बसपा थी, तब भी ये कार्य होता था। ये लोग करते कुछ नहीं थे, और अगर कभी जनता ज्यादा बोलती थी कि भाई क्यों नहीं पाकिस्तान को जवाब देते हो, पहले कहते थे देख रहे हैं, करेंगे करेंगे, लेकिन जब जनता का ज्यादा दबाव पड़ता था कहते थे अरे देख रहे हो पाकिस्तान के पास एटम बम है, यही तो बोलते थे कांग्रेस के नेता, यही बात कहते थे। लेकिन आज क्या स्थिति हुई? हमने तो सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक पूर्वोत्तर के राज्यों में भी किया, नॉर्थ ईस्ट, इस देश के अंदर प्राकृतिक सौंदर्यता अगर कहीं देखनी है तो आप जाइए इस देश के पूर्वोत्तर के राज्यों में, मणिपुर में, मेघालय में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भाव क्या है, किसी भी अरुणाचल वासी से आप मिलेंगे तो आपका अभिवादन किस रूप में करता है? जय हिंद के साथ करता है। क्या भाव है अरुणाचल प्रदेश के अंदर? लेकिन कांग्रेस ने इन सभी राज्यों को अलगाववाद की चपेट में डाल दिया था। महीनों महीनों नाकेबंदी होती थी, महीनों महीनों नाकेबंदी रहती थी, किसी की कान में जू नहीं रेंगता था, दिल्ली सरकार सोई रहती थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल के एक एक मंत्री की ड्यूटी लगाई कि वह जाएगा उन राज्यों में, रहेगा वहां पर, रुकेगा, फील्ड का विजिट करेगा, और फिर परफॉर्मेंस की रिपोर्ट प्रति महीने प्रस्तुत करेगा। ये भाव जिस भारत के हो, उस भारत के लोगों को आतंकवादी बनाने वाला कौन? कांग्रेस है, सपा और बसपा के लोग हैं। इनके द्वारा किस प्रकार का भाव भरा जाता है? क्या हम भूल जाते हैं इन सब बातों को? क्या हमारे साथ इतने भारी अपना अपमान किए जाने के बावजूद भी हम उस सब के बावजूद उनके साथ रिश्ते रखने चाहते हैं? ये लोग जाते हैं, इटली जाते हैं तो अपने को कैथोलिक क्रिश्चियन कहते हैं, सोमनाथ मंदिर में जाते हैं तो नॉन हिंदू विजिटर में हस्ताक्षर करते हैं, और जब लगता है कि वोट बैंक पर्याप्त नहीं है तो मंदिर मंदिर भटकने का कार्य भी करते हैं। 2005 में राम सेतु को तोड़ने का निर्णय इसी कांग्रेस ने लिया था, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी थी, और 2005 में राम सेतु को तोड़ने के बाद हुए आंदोलन के फलस्वरूप जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया था उस समय उन्होंने कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, राम और कृष्ण हुए ही नहीं। भाइयों बहनों, इससे बड़ा अपमान इस देश का दूसरा नहीं हो सकता है।